और एक और वीडियो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का सामने आ जाता है। नहीं, मैं सीकर के वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं। अब वीडियो आया है राजस्थान सरकार के मंत्री के भतीजे का, एक होटल में अपने गुंडों को लेकर घुस जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ मारपीट करते हैं और वहां पर धमकी देते हैं मार देने की, और इस प्रकार के तोड़फोड़ के बाद उनको कोई सजा नहीं मिलती। उनको उल्टा बचाने के लिए राजस्थान सरकार और पुलिस लगातार काम कर रही है। अब बताइए, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये कांग्रेस मतलब माफिया की गारंटी, कांग्रेस मतलब लॉलेसनेस की गारंटी, कांग्रेस मतलब दंगाइयों की गारंटी, कांग्रेस मतलब बलात्कार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। और इसीलिए कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले गुंडों का हौसला बुलंद है, क्योंकि अशोक गहलोत जी के लिए तो सत्ता बचाओ कार्यक्रम चल रहा है, अशोक गहलोत जी के लिए तो अपराधी बचाओ चल रहा है, बलात्कारी बचाओ चल रहा है। उनको महिला बचाओ, बेटी बचाओ, आम नागरिक को बचाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। आज जो ये वीडियो सामने आया है, राजस्थान की पुलिस कार्रवाई ठीक से क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो मंत्री का रिश्तेदार है, क्योंकि वो मंत्री का भतीजा है, और वो भी पावरफुल मंत्री का। इसीलिए राजस्थान की सरकार इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा इस प्रकार से या उस प्रकार से बचाने की कोशिश कर रही है। बताइए कि क्या मंत्री साहब पर कार्रवाई की जाएगी? क्या वहां पर निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी? आज अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार के तहत कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जोधपुर की घटना, करौली की घटना, अब ये जो वीडियो सामने आया है, भतीजे मंत्री जी के कानून को हाथ में लेते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? सीकर का वीडियो, आए दिन हत्या, गैंग वॉर, तोड़फोड़, मारपीट और दंगों का ये सिलसिला अब राजस्थान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा राजस्थान।